Good afternoon everyone uh, today we're going to start with the new lesson that is the four great realms of our planet earth today i am going to teach you about the spheres of earth and it is a learning objective of today's lecture so let's start with the learning objective uh, first of all we're going to uh, list up the four spheres of the earth and then we're going to explain the key characteristics of the lithosphere then we are going to summarize the critical fact about the hyd uh, hydrosphere and then discuss the feature of atmosphere. And after that, we are going to analyze the primary characteristics of the biosphere. At the end of the video, you will be able to uh, tell about the congenial environment and its component from this lecture. So, let's start with the लेक्चर पर बिफोर वीन विद्स टू आस्ट यू समर टू क्वेश्चन वट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी कैन सी एंड टच ऑन ओवर अर्थ हम किस तरह की चीजें देख सकते हैं और हम उनको टच भी कर सकते हैं हमारी अपनी धरती के ऊपर आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो नेक्स्ट वन इज वट टाइप ऑफ थिंग्स माइट बी हिडन फ्रॉम अस वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी धरती पे है पर हमसे छुपी हुई हैं इसका भी आंसर आप कहाँ पे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो सो लेट्स मूव विद द फर्स्ट टॉपिक लिथोस्फेयर टर्म लिथोस्फेयर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथो विच मीन्स रॉक द लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अर्थ स्वाइल आर्ट

ठीक है तो ये लिथोस्फेयर कहाँ कहाँ पे है ये अर्थ का सबसे बाहरी वाला पोर्शन है शेल है जिसको हम जनरली क्रस्ट कहते हैं लिथोस्पेयर में क्या क्या है लिथोस्पेयर में हम लार्ज लैंड मार्स जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं जिसपे हम लोग सब रहते हैं उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और जो धरती के ऊपर जो वाटर बॉडीज है ह्यूज वाटर बॉडीज उसको हम ओशियन बेसन्स कहते हैं छोटे छोटे जो लैंड मार्सेस होते हैं जिसके आसपास सिर्फ पानी ही पानी होता है उसको हम आइलैंड्स कहते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको पूछा था कि वट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी कैन सी टच ऑन द अर्थ तो सबसे पहला हमारा यही आ गया लैंड जिसको हम मिट्टी कह सकते हो जिस सब हम क्या कर सकते हैं इसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं और वट टाइप ऑफ थिंग्स माइट भी हिडन फ्रॉम अस तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे छुपी हुई हैं जो पर है हमारी धरती के धरती में है तो आप उसको कह सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज जो आपने अभी तक माइट भी नहीं देखी होंगी बट जनरली वो कहाँ पर है हमारी धरती के अंदर है उसको निकाला जा सकता है बट दैट इज अमथिंग एल्स दैट यू नीड टू बी लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर्स सो लेट्स कंटिन्यू विदोसफियर अबाउट सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज वाटर ट्वेंटी नाइन परसेंट इज अ लैंड कन्वेंशनली कॉन्टिनें आर लार्ज कॉन्टिनेस डिस्टेंस मास्ट ऑफ लैंड आइडली सपरेटेड बाई द लार्ज बॉडी लार्ज वाटर बॉडीज और अदर फिजिकल वॉरियर्स लाइक माउंटेन रेंजर्स ट्वेंटी वन परसेंट जो हमारी धरती के ऊपर वो क्या है पानी है मतलब हमारे जो ये अर्थ है अर्थ के सेवेंटी वन परसेंट पानी है और ट्वेंटी नाइन परसेंट क्या है लैंड है और ये कॉन्टिनेंट जो कॉन्टिनेंट जो लैंड ऑफ मासज हैं वो क्या है बहुत ही बड़े हैं और सब सभी लैंड मासज क्या है एक दूसरे से डिस्टेंस भी हैं अलग अलग हैं पर ज़्यादातर क्या है वो सेपरेटेड किसके द्वारा किए गए हैं लार्ज वाटर बॉडीज जो बहुत बड़े बड़े ओशंस वगैरह हैं वो क्या कर रही हैं बो एक लैंड मार्क्स को दूसरे मार्क से जो कॉन्टीनेंट कॉन्टिनेंट हैेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से क्या है दूर है और इसके बीच में और भी फिजिकल वॉरियर्स भी हो सकते हैं जैसे कि माउंटेन रेज पहाड़ियों की श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वन द लैंड मार्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू सेवन कॉन्टिनेंट्स फर्स्ट वन इज एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, यूरोप ऑस्ट्रेलिया लैंड एरियाज़ आर आइलैंड अंटार्टिकाइलैंडिस हैं सेवन कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड हैं कौन कौन से हैं वो एशिया है अफ्रीका है नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका है यूरोप है ऑस्ट्रेलिया है और है अंटार्कटिका। छोटे छोटे लैंड मार्स्टर्स हैं उनको हम आइलैंड कहते हैं और जब आइलैंड की चेन होती है उसको हम आर्किपोलोग कहते हैं ठीक है इफ यू सी द ग्लोब यू विल फाइंड दैट द मोस्ट ऑफ द लैंड मार्ट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर वाइल द साउथ हेमिस्फेयर इज मेनली कवर्ड विद वाटर नाउ लेट अस गेट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बेटा जब आप देखोगे ग्लोब को तो ग्लोब में आप क्या पाओगे कि जो ज्यादा से ज्यादा लैंड मास है वो कहाँ की तरफ है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर की तरफ है और जब हम साउथ हेमिसफेयर की बात करते हैं साउथ हेमिसफेयर में देखते हो वहां पे आपको ज्यादा क्या मिलता है वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर मिलता है पानी मिलता है अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम आगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट में सबसे पहला कौन सा है हमारा एशिया एशिया जो है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑक्युपाइंग वन थर्ड ऑफ द लैंड सर्फेस ऑफ द ग्लोब टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स हेयर एशिया इज सेपरेटेड सेटेड फ्राम अफेरिका फ्राम सीयु कैनल एंड द रेड सी एंड बाई बिंग द सी सी फ्राम द नॉर्थ अमेरिका ओरल माउंटेन सेपरेट सेटेड फ्राम यूरोप इट इज सराउंडेड बाई पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ And the Indian Ocean in the south. The entire Asia Asian continent lies in the northern hemisphere, with just a few island groups extending to the southern hemisphere. Asia has the highest mountain range of the world, that is the Himalaya, with the highest peak, Mounted Mount uh, Mount Everest, 8,858 meter, lying along the Nepal Tibetan border. It has the lower part of the Earth, the Dead Sea. 400 meter to three hundred and nineteen meter uh, three hundred and ninety-two meter below the sea level, lying between Jordan and Israel. It is a it also has the highest plateau, the Tibetan plateau, and vast deserts like the Gobi Desert and Thar Desert, due to its large size and huge differences. इन द रिलीफ फीचर एशिया हैज ए वेरिड क्लाइमेट कंडीशन एंड वेजिटेशन द्लाइमेट इज वि पोलर नॉर्थ एंड हॉट एंड ड्राई इन देंटर एंड साउथ वेस्ट एंड एंड हॉट ह्यूमिड इन द्रॉपिकल साउथ एशिया ऑल्सो होम टू बी समरफुल एनिमल्स लाइक बंगाल टाइगर वैक्टर इन कैमल इनगोरा गोट एंड द रेड पांडा जब हम एशिया की बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा ये है कि ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे जो पूरी ग्लोब की जो लैंड है वहाँ का वन थर्ड लैंड सरफेस कहाँ पे है एशिया में है और वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है वहाँ की टू थर्ड पॉपुलेशन कहाँ रहती है एशिया में रहती है एशिया अफ्रीका में सेपरेटेड uh, होता है कैनल्स के साथ और रेड सी के साथ और जब हम बेरिंग नॉर्थ की तरफ नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो वो बेरिंग सींग सी है जो उसको सेपरेट करता है उरल माउंटेन सेपरेट यूरोप से हमें करते हैं एशियन एशिया को और पैसिफिक एशियन है ईस्ट में जिससे हमें हमारा एशिया क्या करते हैं सेपरेट करता है नॉर्थ में जब जाएंगे तो वहाँ पे आर्किटिक ओशन है और जब हम साउथ में जाएंगे तो इंडियन ओशन है जो सेपरेट करता है एशिया को दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ जब हम इंटायर एशिया के कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाया जाता है ये नॉर्दर्न हेमिसफेयर में पाया जाता है और कुछ आइलैंड हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो एक्सटेंड कर जाते हैं साउथर्न हेमिसफेयर में एशिया में सबसे ऊंचे जो पहाड़ हैं जो पहाड़ की रेंज है वो भी यहाँ पे है और सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो माउंट एवरेस्ट है जो हाइस्ट पीक है उसकी और उसकी कितनी हाइट है वो एट एट मीटर जो कि कहाँ पर है वो नेपाल तिब्बतियन बॉर्डर के ऊपर है और जब हम लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ की बात करते हैं जो बिलो द सी लेवल है वो भी एशिया में है वो कौन सा है 400 मीटर से लेके 392 मीटर बिलो सी लेवल है जो कहाँ पे पाया जाता है जॉर्डन एंड इसराइल के वहाँ पे पाया जाता है हाइएस्ट प्लेटू जो है वो तिब्बतन प्लेटू है और बहुत सारा वास्ट डेजर्ट्स हैं जैसे गोवी डेजर्ट डेजर्ट हो गया या थार डेजर्ट हो गया क्योंकि एशिया एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है तो इसके कारण क्या है यहाँ पे जो रिलीफ है जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी बहुत अलग है और क्लाइमेट इतना अलग क्लाइमेट अलग होने के कारण वेजिटेशन भी प्लांट्स और उसके एनि फ्लोरा एंड फुना भी डिफरेंट होंगे तो अगर हम जैसे ही पोलर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमारी क्या हो जाती है एशिया में बिटरली कोल्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है पर जब हम सेंटर की बात करते हैं सेंटर में आ जाते हैं एशिया के वहाँ पे क्या है हॉट है और ड्राई है और साउथ वेस्ट की बात जब हम आ जाते हैं वहाँ पर क्या हॉट है और ह्यूमड है ट्रॉपिकल साउथ में एशिया में सबसे खास बात क्या है यहाँ पे सबसे वंडरफुल एनिमल्स भी पाए जाते हैं जैसे बंगाल टाइगर हो गया बेक्टेरियन कैमल हो गया एंगोरा गोट हो गया और रेड पांडा हो गया ऑल दिस कम इन द एशिया दैट इज अ कॉन्टिनेंटल द लार्जेस्ट नेक्स्ट वन इज द अफ्रीका अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द एशिया कवरिंग आफ्टर एशिया सॉरी कवरिंग अब फिफ्थ ऑफ द अर्थ लैंड बोथ प्राइम मेरेडियन एंड द इक्वेटर पास थ्रू अफ्रीका Large part of Africa lies in the northern hemisphere. This makes it the largest tropical area in the world. The continent is the separated from Europe by Mediterranean Sea and from east by the Red Sea. Strait of the Gibraltar in the northwest, Suez Canal in the northeast, Strait of the Bab el Mandeb connect, uh, connect Africa to Eurasia. The Indian Ocean lies along its the east coast. coast. On the west, it is bound by the Antarctic Ocean. To the north, the Sahara, the world's largest, world largest desert, and Kalahari Desert lies in the southern part. River Nile, which drains into the Mediterranean Sea, is the longest river in the world. The Congo Basin is covered with the world's second largest rainforest. On the edge of the tropical rainforest is, uh, rainforest is a land of the rolling grasslands. On either sides of equator, the grassland is called savanna. Some animals unique to the this land, uh, grassland are the two-horned rhino, zebra, and Tilo hyena, African elephant, and the African lion, among others. The Antarctic mountain range extending from Morocco to Tanzania, Tunch from Africa's longest mountain chain, uh, Mount Kilimanjaro Kilman in Tanzania. एंड माउंट कैनिया इन दिनियां रेड सी इट इज ए रिच इन दर्लैनो दैंड ऑफ द अफ्रीका लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन द अफ्रीका एंड द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दर्ल्ड जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया ये कितनी कवर करता है वन फिफ्थ अर्थ लैंड की वन फिफ्थ ये अफ्रीका में कवर करता है लैंड और प्राइमरिटी और एक्वेटर पास थ्रू अफ्रीका करते हैं और जो बहुत बड़ा हिस्सा है अफ्रीका का वो कहाँ पे पाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल एरिया इन द वर्ल्ड भी यहीं पे है और कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ से सेपरेट करता है यूरोप में वो मेरिडियन सी से और फ्रॉम जब हम एशिया की बात करते हैं तो फिर रेड सी से भी वो सेपरेट करता है स्टेट ऑफ गैबराल्टर इन नॉर्थ वेस्ट में वो सेपरेट करता है स्विज कैनल इन द नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रीट स्टेट ऑफ द बेब एलमेंट जो कनेक्ट करता है अफ्रीका को यू, यूरेशिया के साथ और इंडियन ओशन जो लाइज करता है इसके ईस्ट कोस्ट में लाई करता है वो उसको सेपरेट करता है एशिया से और ऑन द वेस्ट इट इज़ अ बाउंड बाय दी इसके वेस्ट की तरफ क्या है अंटार्कटिक ओशन है जब हम बात करते हैं नॉर्थ में तो नॉर्थ में क्या है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट और कलहारी डेजर्ट जो पाया जाता है अफ्रीका में वो है साउथर्न पार्ट में और रिवर नाइल जो है वो दुनिया की सबसे लंबी रिवर है और मेडिट मेडिटेरियन सी में वो जाती है और साथ ही साथ जो कोंगो बेसन है वो कहाँ है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत सारी बहुत ज़्यादा बारिश होती है ठीक है वहाँ मतलब जिसमें बारह महीने हरियाली रहेगी और उसके एज पे क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है और जो लैंड है लैंड किसकी है रोलिंग ग्रास लैंड है जो आइदर साइड ऑफ इक्वेटर में पाया जाता है और इस ग्रा, ग्रास लैंड को हम क्या कहते हैं सवाना भी कहते हैं और कुछ यूनिक एनिमल्स जो है अफ्रीका के ग्रास लैंड के वो हैं टू होन्ड रियानो है जेब्रा है एंटीलियो हाइना अफ्रीका एलिफेंट अफ्रीकन एलिफ, एलिफेंट एंड अफ्रीकन लाइन अमंग्स अदर बाकियों के साथ ये भी ये इनकी यूनिक जो ग्रास लैंड यहाँ के अफ्रीकन के जो खास हैं और उसके आगे है दाल अंताल, माउंटेन रेंज जो है कहाँ से लेके कहा तक है वो वो पहाड़ी जो पहाड़ियों की श्रृंखला है वो है मोरक्को से लेके तुंजेनिया तक और फॉर्म क्या करता है वो फॉर्म करते हैं अफ्रीका की सबसे लंबी माउंटेन चेन है माउंट क्लिमजारो इन तंजानिया है और साथ ही साथ जो माउंट किनिया है वो कहाँ पे पाया जाता है माउंट 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 किनिया जो है वो किनिया में पाया जाता है और एक्सटिंट है मॉलकिनो भी है वो और ग्रेट रिफ्ट जो वैली है एक्सटेंड कहाँ से कहाँ करती है वो तंजानिया से करती है इथोपिया और उसके साथ ही साथ वो एलॉन्ग विद द रेड सी भी है uh, जब हम बात करते हैं वोल्केनो सॉइल की जो बड़ी ही रि, फर्टाइल रिच है वो कहाँ पे है अफ्रीका में पाई जाती है और सबसे बेस्ट फार्मलैंड कहाँ की है वो अफ्रीका की भी है और जो लेक विक्टोरिया है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है और सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो सबसे जो फ्रेश वाटर होता है ताजा पानी जब पीने वाले पानी की बात करूँ मैं वो है दुनिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है लेक विक्टोरिया वो सेकेंड फ्रेश वाटर के लिए पाई जाती है जो वर्ल्ड में वो है लेक विक्टोरिया सो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका North America is the third largest continent, covering about one sixth of the world land area. Positioned in the planet northern and the western hemisphere, it is bordered by the Arctic Ocean in the north, Antarctic Ocean in the east, uh, the Caribbean Sea and the Gulf of Mexico in the southeast, and the Pacific Ocean in the west. It is separated from South America by a narrow strip of land known as the Isthmus of Panama, the Canada, USA, Mexico make up most of the North America, a series of islands, Newfoundland, Vancouver, the Alctic Islands, the West Indies lies off the coast of the North America and are a part of the continent. Greenland is a part of, uh, of the North America continent governed as a European province. Most North Americans speak English, Spanish, or French. North America experienced the most varied range of climate, from extreme dry cold of the Arctic type to the hot tropics. The western coastal areas are made up of uh, mountain chains: the Alaska Range, the Cassites, the Sierra Nevada, and the Rockies. Mount McKinley in the uh, in the Alaska Range in the is the North American highest mountain while the rocky mountains are the north America's longest mountain range uh, alpacina mountains located in the northeast are an old mountain system death valley in the california is the lowest point of the continent canada and U united states have a wide rolling plains the mississippi missouri ohio is the continent's longest river system the green canyon curved आउट बाई द रिवर क्लोरडा इज द डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन दर्ल्ड लेक सुपीरियर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जब हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें वन सिक्सथ वर्ल्ड की लैंड एरिया है पोजीशन में बात करें ये नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है इसका बॉर्डर किस किस के साथ लगता है इसका बॉर्डर आर्कटिक ओशन नॉर्थ में लगता है अंटार्क्टिक ओशन ईस्ट में लगता है कैरेबियन सी एन गुल्फा मैक्सिको साउथ ईस्ट में लगता है और वेस्ट में लगता है पैसिफिक ओशियन और ये किस सेपरेटेड कैसे होता है साउथ अमेरिका को एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको हम इस्तमस आप पनामा कहते हैं जो नॉर्थ अमेरिका है वो कौन कौन सी कंट्रीज है उसमें कैनेडा यूएसए और मैक्सिको ही ज़्यादा से ज़्यादा एरिया नॉर्थ अमेरिका का इसी में पाया जाता है और सीरीज ऑफ आइलैंड है जैसे न्यू फाउंडलैंड होगी वैनकोवर की एल्यूना आइलैंड्स हो गए वेस्ट इंडीज होगी जो कोस्ट लाब नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और वो भी किसका पार्ट है इसी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है ग्रीन लैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में ही आता है पर क्या है वो गवर्न किसके द्वारा किया जाता किया जाता है गवर्न एज ए यूरोपियन प्रोविंस मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं स्पेनिश बोलते हैं या फिर फ्रेंच बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में किस तरह का मौसम होता है किस तरह के एक्सपीरियंस वहाँ का है वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की क्या होती है ड्राई कोल्ड होती है जो कि आर्केटिक टाइप है और दूसरा दूसरी तरफ हॉट ट्रॉपिक सीजन भी होता है बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है रीजन वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वो कहाँ कहा, वहां पे क्या है वहां पे माउंटेन चे चेन है अलास्का रेंज होगी कैस्केड्स हो गए सारे निविडिया हो गया और रॉकी माउंटेन है माउंटेन मिकले जो है अलास्का रेंज में नॉर्थ अमेरिका के हाईएस्ट माउंटेन है वाइल्ड जो रॉकी माउंटेन है वो नॉर्थ अमेरिका में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एप्लीचन मा, एप्लीचैन माउंटेन्स जो है वो कहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में है और सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम में वो वही पाए जाते हैं डेथ वैली जो कैलिफोर्निया में है वो लोएस्ट पॉइंट है किसका इस कॉन्टिनेंट का यूनाइटेड स्टेट की बात करें और कैनेडा की बात करें इसमें सबसे ज़्यादा क्या एरिया है प्लेन एरिया यहीं पर पाए जाते हैं मिसपी मिसोरी ओहियो जो है वो क्या है कॉन्टिनेंट में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है यहाँ पे और जो ग्रैंड कैनियन है वो क्या है रिवर क्लोरिडा में सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट है इस तरह की दुनिया में और जो लेक सुपीरियर है वो क्या है सबसे लार्जेस्ट बड़ी है जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो उसका क्या नाम है लेक सुपीरियर Next one is South America continent. South America lies most in the southern hemisphere. It has a Caribbean seas to the north, Pacific Ocean to the west, Antarctic Ocean to the east, southernmost part is close to the Antarctica. It is the fourth largest continent and indicates 12 independent countries. Three major territories Falkland Island, the Galapagos Islands, and the French Guiana. By far, Brazil is the largest country in the South America, covering around half of the continent land area. The longest unbroken chain of the mountain, the Andes is located here, stretching along the best coastal Mount Aconca is the highest peak of the range. There are many active volcanoes here. This make it, it is a part of Pacific Ring, ring, ring of the Fire south america is the home to the world's highest waterfall the angel fall in the venezuela the largest river by the volume is the amazon and the driest place on the earth is the Atacama desert in the chile it is also include the largest rainforest the amazon rainforest that possesses highest biodiversity the giant ante anteater, the spider monkey, the squirrel monkey, the jaguar, the anaconda, the toucan, and the macaws are the some animals unique to the, this forest. in addition, south america is also home to the highest capital city, la paz, bolivia, the highest commercial navigate, and navigable lake in the world, lake Titica, and the world's southernmost permanently inhabited community, पुरुतो टोरो ऑफ चिल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ अमेरिका कहाँ पे पाया जाता है ये साउथर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है इसमें कैरिबियन सी जो इसके नॉर्थ में है पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में है अंटार्कटिक ओशन इसके ईस्ट में है और साउथर्न पो जो इसका साउथर्न पार्ट है वो क्लोज टू है अंटार्कटिका और ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें ट्वेल्व इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं देर आर मेजर टेरिटरी भी है फेल्कन आइलैंड की होगी गेलपोक्स आइलैंड हो गया फ्रेंच ग्यूआना हो गया और सबसे ज़्यादा ए, जो लैंड है साउथ अमेरिका में वो किस कंट्री के पास है वो है ब्राज़ील जो कि हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट लैंड जो आधे से ज़्यादा उस कॉन्टिनेंट की लैंड है वो किसके पास है वो है ब्राज़ील कंट्री के पास है और यहाँ पे जो अनब्रोकन चेन ऑफ माउंटेन है वो कौन से हैं एंडीज जो लोकेटेड यहीं पाए जाते हैं जो वेस्ट कोस्ट से स्टार्ट होते हैं माउंट एकोनोगोवा जो हाईएस्ट जिसकी हा, हा, हाईएस्ट हाइट है वो रेंज यहीं पे पाई जाती है और उसका नाम माउंट एकोनोगोवा है देर आर मैनी एक्टिव यहाँ पे बहुत सारे जो एक्टिव वेल्कोनोज हैं वो पाए जाते हैं और इसलिए वो क्या बनाते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर भी कहलाते हैं और उनको वो इसी कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं साउथ अमेरिका की बात करें यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है और वो कहाँ पे पाया जाता है वो एंजल फॉल है वेंजुला में पाया जाता है और जो रिवर है जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा रिवर है वॉल्यूम के हिसाब से वो कौन सी है वो है एमजॉन और सबसे सूखी जगह धरती की वो कहाँ पे है वो भी इसी कॉन्टिनेंट में पाए जाते जिसका नाम है एटा डेजर्ट जो चीले में पाया जाता है और यहाँ पे और भी चीज़ इंक्लूड है यहाँ पे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है जिसको हम जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जहाँ की आ, फ्लोरा और फून्ना जो सबसे डायवर्सिट है सबसे डिफरेंट और यूनिक है और यहाँ की बात करें जॉइंट एंड ईटर हो स्पाइडर मंकी हो स्क्ल मंकी हो जेगौर हो एनाकोडा हो और भी बहुत सारे जानवर हैं जो यूनिकली कहाँ पाए जाते हैं सिर्फ इसी आ, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और साउथ अफ्रीका की बात करें यहाँ पे हाईएस्ट कैपिटल सिटी भी है और हाईएस्ट कमर्शियल नेविगेबल लेक भी है नेविगेबल लेक मतलब जहाँ पे बहुत सारा कमर्शियल चलती हो वोट्स वगैरह की बात करें या और कुछ जो कमर्शियल है और साथ में इसमें एक और चीज़ है कि जो वर्ल्ड का साउथ मोस्ट इन्ेबिटेड कम्युनिटी है पूर्व तो टोरो जिले में यही पाई जाती है यूरोप यूरोप कवरिंग द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द Asiatic landmass is the world's second smallest continent by area. Europe is bounded by the Arctic Ocean on the north, Antarctic Ocean on the west, and the Meridian Sea on the south. It is separated from Asia in the east by the Ural Mountains, the river Ural, and the Capsican Sea, and has a Caucasus region and the Black Sea on the southeast. It is itself a peninsula, it is made up of few more peninsula like scandinavia Peninsula, Iberian Peninsula, Peninsula of Italy, and Greece with, it with its many islands. On the northwest are the scandinavia Highlands, and towards the east, bordering the Arctic Ocean, is the vast tundra region. Further, south are the great northern plains of the, uh, Europe, densely populated and highly industrialized. This makes Europe the third most populous continent in the world. Further south is the Spanish Plateau, separated from France by Pyrenees. To the east are the Alps, giving way to the plains of the Bohemia. And the beyond this are the Carpathian Mountains. The main rivers are the Rhone, Seine, Rhine, Volga, Danube, the Danister, etc. The climate of Europe is considered milder. Through countries in the north, experience bitter cold. The grey wolf sea eagle dalmatian pelican are some animals unique to this continent europe is also home to the world's smallest country the, uh, the vatican city and the world's largest country russia europe was very powerful in 17th and 18th century and controlled most of the world जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप क्या है वेस्टर्न पोर्शन करता है एशियाटिक एस, लैंडमार्क का और वर्ल्ड की ये सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय एरिया एरिया के हिसाब से यूरोप किसके बाय बाउंड करता है आर्कटिक ओशन उसके नॉर्थ में है अंटार्क्टिक ओशन उसके वेस्ट में है मेडिटेरन सी है जो वो साउथ में है और इसको सेपरेट एशिया से सेपरेट क्या करता है उरल माउंटेन्स करते हैं और रिवर उरल होगी कैशपिन सी हो गए या कैशियस रीजन है ब्लैक सी का वो कहाँ पे पाया जाता है इसके साउथ ईस्ट में पाया जाता है इट इज़ ए इटसेल्फ ये भी क्या है एक पेंसुला है और ये बहुत छोटे छोटे पेंसुला से बना हुआ है जैसे कि स्कैंड स्कैंडियन पेंसुला हो गया इवेरियन पेंसुला हो गया पेंसुला ऑफ इटली होगी ग्रीस होगी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या है? आई हैं आईलैंड हैं नॉर्थ वेस्ट में क्या है हैडियन हाईलैंड है और जो कि टूवर्ड्स ईस्ट जाएंगे तो बॉर्डर किसके साथ लगेगा हम इनका आर्कटिक ओशन के साथ और उसके साथ ही ये वहां पे बास्ट बहुत ज्यादा गहरा टुंडरा रीजन भी है जब हम आ, यूरोप के साउथ पोर्शन में जाते हैं हमें नॉर्दर्न प्लेन्स मिलते हैं किसके यूरोप के जो बहुत ही ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड है डेंसली पॉपुलेटेड है और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है इसी कारण यूरोप को क्या हो गया पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे कॉन्टिनेंट के वर्ल्ड इस कॉन्टिनेंट में ठीक है और जो साउथ की जब हम बात करें वहाँ पे हमें क्या मिलेगा फिर स्पेनिश प्लेट मिलेंगे जो सेपरेट करते हैं किसको फ्रांस को बाय पेरनिस के साथ टू द ईस्ट जब ईस्ट में चलते हैं तो क्या मिलेंगे आल्प्स मिल जाएंगे जो क्या कर रहे हैं प्लेन्स ऑफ भूमि और बियॉन्ड किसके कैरेथिन माउंटेन के साथ इस वहाँ के रिवर्स कौन कौन सी हैं रोहिणी, सिहनी रिहिनी वोल्गा डेनव्यू एडेनिस्टर एक्सेट्रा वहाँ की फेमस रिवर्स हैं क्लाइमेट की बात करें क्लाइमेट कैसा है वहाँ का माइल्डर क्लाइमेट है ज़्यादातर कंट्री में बट जैसे ही हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में तो वहाँ पे क्या हो जाती है ठंड जो होती है कोल्ड जो होती है वो बढ़ जाती है बिटर हो जाती है और वहाँ के कौन कौन से एनिमल्स जो यूनिक हैं उस कॉन्टिनेंट में ग्रे बुल्फ हो गया सी ईगल हो गई और डेलमेटिन पिल्कन जो है वहाँ के कुछ एनिमल हैं जो यूनिक हैं वही कॉन्टिनेंट के और यूरोप में क्या है सबसे छोटी कंट्री है और सबसे बड़ी कंट्री भी इसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं और यूरोप पावरफुल कब था यूरोप पावरफुल सेवनटीन और एटीन सेंचुरी में पावरफुल बहुत ज्यादा था तब कि ये क्या करते थे तब यूरोप ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या किया वो था मोस्टली नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद न्यूजीलैंड तस्मेनिया एंड द नियर बाई आईलैंड इज द ऑस्ट्रेलेशिया and and is the smallest continent it lies entirely in the southern hemisphere australia is surrounded on the all side by the water the pacific ocean on the east indian ocean on the west or Freya sea on the north hence it is called an island continent canberra is the capital of australia the main physical feature include the great dividing range toward the east which is actually a collection of smaller mountain range the central lowland to the west of, uh, of it which is uh, famous for its cattle ship station most of australia arid with the great western desert occupying 70% of continent majority of the settled area lies in the coastal area in the eastern australia the western desert is rich in the iron and the gold the nalwar plain has the largest deposit of the limestone लेक आयरी दार्जेस्ट लेक ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज मोस्टली ड्राई द लार्जेस्ट रॉक इन दस्ट्रेलिया इज उल उॉक जिसको कहते हैं थ्री फोर्टी एट मीटर्स हाई द ग्रेट वेरी रीफ बिल्ट ऑफ द कोरल्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज मोर देन टू थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग ऑस्ट्रेलिया इज अ होम टू यूनिक एनिमल लाइक कोकला कंगारू एंड प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में करें तो ऑस्ट्रेलिया में और कौन कौन सी कंट्री है न्यूजीलैंड है तस्मेनिया है और भी छोटे छोटे आइलैंड हैं जो उसके आसपास हैं और इसको क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता और है और ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये कहाँ पे है ये एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली नॉर्थ साउथर्न हेमस्फेयर में है ऑस्ट्रेलिया के सराउंडर किसके सभी जगह क्या है उसके सराउंडेड में वाटर ही वाटर है एक तरफ पैसिफिक ओशन है दूसरी तरफ इंडियन ओशन है फिर अरफ्रा सी है नॉर्थ में और उसको इसलिए इसके सारी तरफ वाटर होने के कारण इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है कन्वेरिया किसकी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की और मेन फीचर क्या है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के कि एक तो ये है कि वहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ईस्ट से स्टार्ट होती है और एक्चुअल में वो क्या है छोटे छोटे माउंटेन रेंज है और जब सेंट्रल लो लैंड की बात करें वेस्ट ऑफ दी आ, इसकी तो किस लिए फेमस है वो जगह इसलिए वहां पे कैटल और शिप के स्टेशन किए जाते रखे जाते हैं और मोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है वहां पे इज एर विद द ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट वहां पे डेजर्ट और सेवन सेवन परसेंट जो है कॉन्टिनेंट वो है ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट है मेजोरिटी जो सेटल्ड है जो लोग रहते हैं वो कहां पे रहते हैं कोस्टल एरियाज एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वेस्टर्न डेजर्ट की जो वेस्टर्न डेजर्ट है जो उनका सेवेंटी परसेंट वो किस में रिच है क्या वहां पे पाया जाता है वहां पे आयरन और पाया जाता है गोल्ड पाया जाता है और जो डीपेस्ट लाइम है वो है न्यूलिवर प्लेन है लेक आयरन आयरे जो है वो लार्जेस्ट लेक है ऑस्ट्रेलिया की वो ज्यादातर क्या रहती है सूखी रहती है लार्जेस्ट रॉक जो है ऑस्ट्रेलिया की वो है उलहुरू आयरस रॉक भी कहा जाता है जिसकी जो 348 मीटर हाई है ऊंची है और ग्रेट द ग्रेट वेड रीफ बिल्ट जो है कॉरे वो कहां पे ईस्ट कोस्टल ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो मोर देन कितना है 2000 किलोमीटर लॉन्ग है ऑस्ट्रेलिया में uh, कौन से जानवर पाए जाते हैं कौन से एनिमल पाए जाते हैं कंगारू हो गया पलेटपस हो गया कुआला हो गया ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं ये सब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज़ अंटार्कटिका, सॉरी नेक्स्ट वन इज अंटार्टिका अंटार्टिका अर्थ साउथ मोस्ट कॉन्टिनेंट अराउंड द साउथ पोल इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट

जो 98% परसेंट है अंटार्कटिका वो क्या किसके साथ कवर है वो आइस के साथ कवर है और उसकी थिकनेस कितनी है कितना वो मोटा है वो है एक्चुअल में वो उसकी थिकनेस है 1.6 किलोमीटर उसकी थिकनेस है और इसको इसीलिए आइसी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है और ये सराउंडेड किसके इसके आसपास क्या है इसके आसपास साउथर्न ओशन है जो जहाँ पे इसके आसपास सिर्फ पानी ही पानी है या फिर बर्फ है so we have uh, covered the lithosphere completely so here is the first question what is a lithosphere that you have to write down in the comment section and the next question is what type of things can be found within the lithosphere lithosphere is the water sphere that includes all water body on the earth three fourths of the earth is water this include all three forms of water soil liquid and gaseous. Water is present in the liquid form on the earth as a surface water that includes lakes, rivers, seas, and oceans and as a groundwater that at times come out in the form of springs. Water is present in the gaseous form in the atmosphere as a water vapor. On snow capped mountains, it is found in the frozen form or solid form as ice caps in the polar region and the ice works in the glacier. All this makes make, up the hydrosphere. The large, water, large bodies of the water, seas, oceans make up about 98% of hydrosphere. All the oceans and seas are interconnected. Hence, the level of water in the ocean, sea is the same throughout. This is called mean sea level. Look at the water, uh, world water distribution. Water system in the ocean and sea is a 97.2200. Polar ice and glacier is 2.150. Groundwater is a 0 0.630. River and lakes is 0 0.017. And water vapor is 0 0.001. जब हम हाइड्रोस्पेयर की बात करते हैं तो हाइड्रोस्पेयर क्या है हाइड्रोस्पेयर है वाटर सरफेस, जिसमें हम क्या लेके चलते है? water water, हैं वाटर बॉडीज सभी तरह की वाटर बॉडीज जो अर्थ पे हैं, थर्ड फोर्थ जो वाटर है अर्थ का वो है हाइड्रोस्पेयर में ही आता है जिसमें आप तीनों फॉर्म्स लेते हैं वाटर की चाहे आप सॉइलिड की बात करें लिक्विड की बात करें चाहे गैशियस की बात करें वाटर जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में हमारे अर्थ में मिलता है हमें सरफेस वाटर में मिलता है जिस जैसे कि आप लेक्स ले लो रिवर्स ले लो सीज ले लो चाहे ओशंस ले लो और ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर की भी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो जो कि हमें इन जो ग्राउंड वाटर होता है कम आउट्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स वाटर जो है हमारा गैशिस फॉर्म में भी होता है जो कि हमारे एटमोसफेयर में रहता है वाटर वेपर के रूप में और जब हम पहाड़ों पे जाते हैं ऑन स्नो कैप्स इट इज़ अ फाउंड इन फ्रोजन फॉर्म हमारे पास बर्फ पे तरीके जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें स्नो कैप्ड माउंटेन पे. और अगर हम पोलर रीजन की तरफ चले जाएँ तो वहाँ हम वहाँ पे हमें आइस कैप्स में मिलता है और ग्लेशियर की बात करें तो आइस बर्गस के रूप में हमें तो, आ, जो वाटर फॉर्म है वो मिल जाती है सभी कुछ ये मला लें तो क्या बनता है ये हाइड्रोस्फेयर बनता है जो लार्ज वाटर बॉडी है उसमें मोस्टली कौन से हैं सीज हैं और ओशियंस हैं ये ज़्यादातर कितना बनाते हैं परसेंट हाइड्रोस्फेयर का सीज और ओशियन बनाते हैं नाइन्टी एट परसेंट ठीक है ठीके? और जब ओशियन और सी को देखेंगे तो हम तो ये एक दूसरे के साथ क्या है एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड भी हैं और लेवल ऑफ वाटर जो ओशियन का या सी का है वो थ्रू आउट द क्या होता है सेम ही रहता है जिसको हम कहते हैं मीन सी लेवल और वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर सिस्टम वो आप ग्राफ में आपकी बुक में देख सकते हो कि ओशियन और सी की बात करें तो 97.2 परसेंट किसका है ओशियन और सी का पोलर आइस और ग्लेशियर की बात करें वो कितना है 2.15 परसेंट और ग्राउंड वाटर की बात करें तो वो कितना है 0.63 पॉइंट सिक्स थ्री और उसके बाद अगर रिवर और लेक्स की बात करें तो वो है जीरो पॉइंट जीरो टॉपिक बनता है एक ओशियन ओशियन आर द वास्ट एरियाज ऑफ वाटर इंटरकनेक्टेड अनदर द एवरेज डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज अबाउट थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड मीटर बिलो द मीन सी लेवल which is more than average height of the land which is only about 850 meter above sea level the planet contains five oceans namely the arctic ocean antarctic ocean indian ocean pacific ocean and the southern uh, Southern ocean their borders are the indicated on map in various shades of the blue जब हम ए, ओशियंस की बात करते हैं तो सबसे पहला यही आता है कि जो ओशियन का वास्ट एरिया है जो वाटर का वो एक दूसरे के साथ क्या होता है कनेक्टेड होता है और जब हम एवरेज डेप्थ लेते हैं ओशन की वो कितनी है वो है 3800 मीटर वो भी मतलब मी मीन सी लेवल के समुद्र की गहराई में जाके वो, वो बात हो रही है और जो एवरेज हाइट है लैंड की वो कितनी है वो सिर्फ 850 मीटर है अबब सी लेवल प्लैनेट में हमारे जो अर्थ है उसमें कितने हैं ओशन है वो है पांच पहला है आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन एंड द लास्ट वन इज द साउथर्न ओशन इसके मैप्स में दिखाए होंगे वो आप देख लेना अभी हम इसी को आगे फर्दर डिस्क्राइब करेंगे सो फर्स्ट वन इज अ पैसिफिक ओशन द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन It covers almost half of the Earth's surface, 181 million square kilometer in area. It is almost circular in shape. It extends from Arctic in the north to the Southern Ocean in the south. It is bounded by Asia and Australia in the west and the America in the east. The most active volcano in the world, the Ring of Fire landmasses, the deepest point about 11,000. मीटर डीप इज़ इन ट्रेंच लाइंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन पैसिफिक ओशन की बात करें तो ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है इसमें जो हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस है वो इसी में पाया जाता है जो कि व मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर एरिया के हिसाब से है और जब इसकी शेप की बात करें तो किस शेप में है ये सर्कुलर शेप में है और इसकी एक्सटेंड ये कहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है ये नॉर्थ से लेके साउथर्न ओशियन तक फैला हुआ है साउथर्न में साउथर्न ओशन के टच करता है एशिया में बाउंड किसके साथ करते हैं एशिया में भी और ऑस्ट्रेलिया इसके वेस्ट में है अमेरिका इसके ईस्ट में है और सबसे मोस्ट एक्टिव वर्ल्ड जो वर्ल्ड का है वो कहाँ पे है इसी रिंग ऑफ द फायर में पाया जाता है जो कि पैसिफिक ओशन में है और उसका कोस्टल लैंड भी है सबसे गहरा पॉइंट जो है वो कितना है इलेवन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड ट्वेंटी टू मीटर है वो कौन सा है मेराना ट्रेंच है वो भी ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन में पाया जाता है सो नेक्स्ट वन इज अंटार्क ओशन अंटार्क ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द ओशन इट फॉर्म्स ए ब्रॉड एस इन शेप इट इज अड बाई अमेरिका इन वेस्ट, यूरोप एंड द अफ्रीका इन ईस्ट. द कोस्टल लाइन इज इन एंड मेक इट्स आइडियल फॉर ने दस द बिगेस्ट ओशन इन दर्ल्ड की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है और इसकी फॉर्म किस तरह की शेप है इसकी इसकी एस शेप है और इसके अमेरिका जो है वो इसके वेस्ट में है यूरोप और आ, अफ्रीका की बात करें वो इसके ईस्ट में है कोस्टल लाइन जो है वो इंडेंटेड है और इसके इसलिए इसको क्या आ, जो माना जाता है कि आइडियल है नेचुरल हावर और इसलिए यहाँ पे बिजिएस्ट ओशन है यहाँ पे बहुत सारी आ, शिप्स वगैरह ट्रेवल करते हैं नेक्स्ट वन इज द इंडियन ओशन द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन डिवीजन हैविंग अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ वाटर इन इट इट फॉर्म्स ए लार्ज ट्राइंगल विद द इंडियन पेंसिला प्रोडेंटिंग थ्रू द अपर एपेक्स हेंस द नेम ऑन द वेस्ट ओशियन इज बाउंड बाय अफ्रीका ऑन द ईस्ट बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंटल एंड द ऑस्ट्रेलिया एंड ऑन द साउथ बाय साउथर्न ओशियन तो जब इंडियन ओशियन की बात करें तो ये दुनिया का तीसरा बड़ा ओशियन है और इसकी अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंटेज है अर्थ वाटर की ट्वेंटी परसेंट है और ये एक बड़ा सा ट्रायंगल के एक शेप में बनाता है इंडियन पेंसुला होने के कारण तो इसलिए इसका नाम भी उसी से मिला हुआ है जब हम इसके वेस्ट में बात करते हैं तो ओशन बाउंड बाय अफ्रीका है और ईस्ट में बात करते हैं तो इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया इसमें रहता है और जब हम साउथ में बात करते हैं तो साउथ में इसके साउथर्न ओशन रहता है नेक्स्ट वन इज आर्कटिक ओशन ऑशन इट इजेड बाई देंट ऑफ एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड दी ऑफ द ग्रीन लैंड आर्केटिक ओशन की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है ये नॉर्थ पोल में पाया जाता है और इसके लाइज विद इन द आर्टिक सर्कल में है और ये सबसे छोटा है ओशन है और शॉलेस्ट शॉलेस्ट का मतलब है ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है और इसके सराउंडेड में क्या है इसके सराउंडेड में एशिया है यूरोप है नॉर्थ अमेरिका है और कंट्री कौन सी है ग्रीन लैंड सो नेक्स्ट वन इज साउथर्न ओशन द साउथर्न ओशन आर द अंटार्कटिक ओशन कॉम्प्राइज द साउथर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटीज ऑफ द थ्री मेजर ओशन द पैसिफिक अंटार्टिक एंड इंडियन इट इज़ सराउंडेड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका साउथर्न ओशन की बात करें इसको हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं क्योंकि ये एक तो साउथरन मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे है और इसके मेजर ओशन कौन से हैं इसके मेजर ओशन है इसके आसपास कौन से ओशन है एक तो पैसिफिक है एक अंटार्कटिका है और एक इंडियन ओशन है और ये सराउंडेड किसके द्वारा किया गया है कौन सा कॉन्टिनेंट के सराउंडेड में है ये ये अंटार्क्टिका ओशन के सॉरी अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के सराउंडेड को कहता है ये उसके सराउंड पूरे यही ओशन पाया जाता है So we just complete the so we just complete the hydrosphere. So I would like to ask the simple two questions that you have to be write down the uh, answer in the comment section. So first one is how would you describe the hydrosphere? If you have completed your answer the next one is that what type of things might you find in the hydrosphere? This answer should be written in the comment section. So let's move to the next topic. That is the atmosphere. The atmosphere. Hold your breath for some time. How do you feel? You feel suffocated. Living being breathe in air to survive. Nature has given us the gift of air in abundance. Earth is surrounded by a thick blanket of air the layer of air that involves the, uh, evolves, uh, the earth is called atmosphere this blanket of the air extend up to several kilometers above the earth's surface air is a mixture of gases it consists of nitrogen and oxygen in the ratio about 4 to 1 nitrogen 78% oxygen 21% oxygen is essential for survival of the most organism the other gases like Organ, carbon dioxide, neon, helium, krypton, hydrogen, and xenon are present in smaller quantity. Air also holds water vapor in various amounts depending on the temperature. The, atmo the atmosphere is held in place by Earth gravitational pull. On the basis of composition, temperature, and density, the atmosphere is divided into five concentric layers: troposphere, stratosphere, Mesosphere, thermosphere, exosphere. It is a the uh, near the surface that thins out the, with the height until it eventually merges with the outer sphere. Troposphere is the first one. Troposphere is the layer of the atmosphere closest to the Earth's surface, reaching up to the height of the uh, about 10 to 15 kilometers. It contains 75% of total air of the atmosphere. The temperature, Pressure drops as one goes to higher the troposphere. The temperature decreases by 1 cm for every 166 meter of the ascent and this is known as the lapse rate. The stratosphere lies directly above the troposphere. It is a layer where all weather change occur. Strong winds call jet streams below here. They help aircraft to fly. The, the stratosphere contains a thin layer of ozone gas, which absorbs most of the harmful ultraviolet radiation emitted from the sun. The next layer is the mesosphere. Temperature drop as low as minus 110 degrees Celsius here. Meteors are the rocks fragments worn up here. The ionosphere or thermosphere is a hot layer where temperature rise steadily to the 1400 degrees Celsius. These layers contain electricity charged. पार्टिकल्स काल्ड आइंस विच हेल्प इन द ट्रांसमिटिंग रेडियो वेव्स बैक टू दर्थ सेटेलाइट विच हेल्प इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बैक टू अर्थ आर लोकेटेड हेयर द एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एंड एक्सटेंड फ्रॉम एटीन एटी किलोमीटर अब द अर्थ सर्फेस टू दउटर सर्फेयर जब जब हम एटमोस्फेयर की बात करते हैं एटमोस्फेयर में सबसे पहले तो उन्होंने एग्जाम्पल ऐसी दी है कि जब हम सांस लें और उसके बाद रोक लें तो क्या ऐसा लगेगा आपको बड़ी घुटन सी महसूस होगी और जैसे ही आप आपको ही पता है कि आप बिना हवा एयर के क्या बिना हवा के आप जिंदा ही नहीं रह सकते हो राइट तो नेचर ने हमें जो गिफ्ट दिया है एयर के रूप में और इतना दिया है कि हम मजे से जी सकते हैं और जो हमारी अर्थ है वो सराउंडेड किसकी है एक थिक सी ब्लैंकेट बनी हुई है किसकी हवा की और दी लेयर ऑफ अर्थ जो हमारे आसपास घूमती रहती है उसको क्या कहते हैं वो ही एटमोसफेयर कहलाता है ये जो ब्लैंकेट है ये सेवरेल किलोमीटर ऊपर तक जाती है अर्थ सरफेस में एयर एक्चुअल में है क्या एयर जो हवा है वो क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस है और इसमें कंसिस्ट कंसिस्ट क्या कहता है नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है रेशो है जो कुछ फोर टू वन है अब जब नाइट्रोजन की बात करें नाइट्रोजन हमारे एटमोसफेयर में कितनी है सेवेंटी एट परसेंट है ऑक्सीजन हमारी ट्वेंटी वन परसेंट है बट पर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन क्या है सबसे असेंशियल जरूरी है जो हर ऑर्गेनिज्म uh, को चाहिए ऑक्सीजन के बिना तो नहीं तो बंदा मर जाएगा इंसान मर सकता है राइट और भी गैसेस हैं जो हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी आर्गन होगी न्योन होगी हीलियम क्रिप्टोन हाइड्रोजन एग्जोन जो सभी प्रेजेंट बट क्वांटिटी क्या है Smaller है। एयर एयर में क्या होते है? में होते हैं, हैं, एयर में भी में अलग अलग हो सकते हैं डिपेंड अपॉन टेम्परेचर की कहाँ का कितना और कैसा टेम्परेचर है बट एटमॉस्फेयर जो हैल्ड करता है हमारी प्लेस को अर्थ को वो कैसे करी जाती है कैसे स्टे करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण और जब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कहाँ पे कितनी कॉम्पोजिशन टेम्परेचर और डेनिसिटी है तब हमारा एटमॉस्फेयर होता है डिवाइडेड डिवाइडेड हो जाता है कौन कौनसेंट्रिक लेयर्स में हो जाता है उसमें एक ट्रोपोस्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर है मेसोस्फेयर है थर्मोस्फेयर है एक्सोस्फेयर है सबसे डेनेस्ट जो सरफेस है थिंग्स है वो हाइट के साथ अनटिल जब हम मर्ज कर जाएं उसके साथ आउटर सरफेस के साथ पहले गहरा और उसके बाद ऊपर को जैसे जैसे जाते जाएंगे उसके फर्क पड़ता जाएगा डिफरेंस आ पड़ता जाएगा सबसे पहला है हमारा ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर एक लेयर है हमारी एटमोसफेयर की जो सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ सरफेस के साथ और ये कहाँ तक हाइट में कहाँ तक जाएगी ये जा? 10 से 15 किलोमीटर जाएगी और इसमें कितनी हवा होती है इसमें 75 परसेंट टोटल हवा है एटमोसफेयर की यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर ड्रॉप कर जाता है जैसे ही uh, uh, मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर होगा या प्रेशर होगा एज वन गोज हायर जैसे आप ऊपर को जाएंगे टेम्परेचर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और प्रेशर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा कैसे होता है टेम्परेचर ड्रॉप करता है या uh, प्रेशर ड्रॉप करता है टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस ड्रॉप करेगा कितना जब आप 166 मीटर ऊपर जाओगे और उसको हम कहते हैं लेप्स रेट कहते हैं। अब हम आगे तो स्टेटो स्टेटो पाया जाता है जाता है वेदर की जो मौसम वगैरह चेंज होता है वो जहां पे होता है में होता है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है जो तेज हवाएं चलती है उसको कहते हैं हम जेट स्ट्रीम जो यहीं पे ब्लो करती है यहीं पे चलती है इसके कारण क्या होता है हेल्प करती है जो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में उड़ने में हेल्प करती हैं और स्टेटसपेयर में क्या होता है एक थिन लेयर होती है किसकी ओजोन गैस की होती है जो क्या करता है हार्मफुल अल्ट्रावाइट रेडिएशन जो आती हैं सन से वो क्या कर ली जाती है यहीं पे वो यहीं पे ऑब्जर्व कर लेता है कौन करता है ओजोन गैस करता है ये तो सब आ गया हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में नेक्स्ट लेयर हमारी आती है मेसोस्फेयर इसमें क्या होता है इसमें जो टेम्परेचर होता है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है कितना ड्रॉप हो जाता है माइनस वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस इसमें आ जाता है जब भी बाहर से कोई पत्थर आता है मेट्रॉड आ रॉक्स आते हैं वो क्या हो जाते हैं इस टेम्परेचर में आके वो क्या हो जाते हैं जल जाते हैं खत्म हो जाते हैं सो नेक्स्ट लेयर इज दी आइनोस्फेयर जिसको हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं ये क्या है ये हॉटेस्ट लेयर है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस होता है और इस लेयर में क्या होती है इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं पार्टिकल इसलिए यहाँ पे उसको कहते हैं जो जो पार्टिकल्स होते हैं जो लेयर होती है ना इलेक्ट्रिकली वो चार्ज हो जाते हैं और आयनस होते हैं जो जिसमें हेल्प करते हैं किसको रेडियो वेब्स को वापिस अर्थ पे आने के लिए भेजने के लिए सेटेलाइट क्या करती है हेल्प करती है ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स बैक टू सिग्नल बैक टू दी अर्थ एक्सोस्फेयर है वो क्या है सबसे बाहर वाला लेयर है और ये क्या होता है ये 80 किलोमीटर के अब होता है अर्थ सरफेस वो कहाँ पे जाके कनेक्ट करता है ये आउटर स्पेस के साथ कनेक्ट करता है So, next one is the biosphere. So, before we make into the biosphere part with the biosphere, the biosphere is the sphere of the earth where living organisms exist, penetrating the lithosphere, hydrosphere, and the atmosphere. The biosphere is made up of, made up of the parts of the earth where life exists. Biosphere extend from deepest roots of the tree to the dark environment. Of ocean trenches to the lush rainforests and the high mountain tops. For this reason, mapping uh, mapping the exact border of the biosphere is uh, difficult. The life forms that make up the biosphere is also interact with the different realms of the earth and they bring about the great changes here. Consider atmosphere. Over atmosphere is comprises of approximately twenty first twenty one percent oxygen the early earth did not have much oxygen in the air slowly over the millions of years plants released the oxygen in, uh, into the air, uh, oxygen into air through photosynthesis increasing amount making animal life animal life possible living organism breathe in oxygen give out the carbon dioxide thus giving a perfect balance of two gases in environment even the carbon dioxide constitute only 0.03% of the earth it is an important gas. Plants require this gas to carry out the process of photosynthesis. This gas also traps the heat of sun, does not let all of it go back into space. This keeps the earth warm at night and essential for germination of plants and survival of the life. This process is known as greenhouse effect. So, जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं बायोस्फीयर में क्या है स्फीयर यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्ले करते हैं इंटरेक्ट करते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो लिव करेगा रहेगा तीनों के साथ वो चाहे हाइड्रोस्फेयर एटमोसफेयर और, और लिथोस्फेयर है ये सब इसी के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे ये बायोस्फेयर क्या होता है अर्थ का ही पार्ट है लाइफ जिसमें एग्जिस्ट करती है उसके बारे में कहता है चाहे हम डीप रूट्स की बात करें प्लांट्स की चाहे हम डार्क एनवायरनमेंट की बात करें चाहे हम ओशन की बात करें चाहे हम रेन फॉरेस्ट की बात करें चाहे हम टॉप ऑफ द माउंटेन चले जाए चाहे आप डीप डेप्थ ऑफ द सी चले जाएं इसलिए मैपिंग जो एग्जैक्ट है बायोस्फीयर की वो करना बहुत ही मुश्किल है जब हम लाइफ की बात करते हैं बायोस्फीयर में चीज, हर चीज़ हर लाइम्स हर स्फेयर एक दूसरे के साथ क्या है कनेक्टेड है अगर हम कंसीडर करें एटमॉस्फेयर में तो हमें पता है कि 21 जो परसेंट ऑक्सीजन होती है और अर्ली जब पहले क्या होता था स्टार्टिंग जब धरती की हुई होगी तो तब क्या थी ऑक्सीजन थी नहीं तो इसलिए कितने साल लगे मिलियंस ऑफ एयर लगे प्लांट्स ने क्या रिलीज की ऑक्सीजन रिलीज की कैसे की उन्होंने थ्रू प्रोसेस ऑफ जिसके कारण क्या हो गया ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ती गई और जिसके कारण एनिमल लाइफ क्या होगी पॉसिबल होगी और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो ब्रीथ करने लग पड़े ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन ब्रीथ की तो उन्होंने क्या दिया बदले में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दी जिसके कारण एक अच्छा परफेक्ट बैलेंस बढ़ने लग पड़ा दो गैसेस का कौन सी कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बट देखी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03 परसेंट ऑफ द एयर हवा में सिर्फ इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड है बट क्या ये अननेसेसरी uh, है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि प्लांट्स को तो यही गैस चाहिए किस लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इसी गैस को ये गैस क्या करती है ये गैस सन की जो रेस नीचे आती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं उसको क्या कर लेती हैं ट्रैप कर लेती हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है जब रात होती है तो हमारी धरती को गर्म कैसे रखा जाता है कैसे रखती है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर लेती है हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है वो, वो हमारी धरती को हेल्प करती है और ये जरूरी होता है किसके लिए जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स और सर्वाइवल ऑफ दी लाइफ लाइफ की जिंदा रहने के लिए प्लांट्स के जर्मिनेशन नेक्स्ट वन इज अ मैन एंड द बायोस्फेयर People live in an important part in maintaining the flow of energy in the biosphere. However, they have disturbed the natural balance between the different elements of the biosphere by their activity. This had led to serious environmental problem, threatening the very existence of many species. Many ha man has excavated mines, exerted coal, petroleum, gas, natural gases from the earth, the burning of coal, oil, natural gases, and cutting down of the trees and recklessness in the industrial practice are altering the composition of gases in the atmosphere polluting it increasing in level of carbon dioxide and some harmful gases have led to global warming climate change depletion of the ozone layer change in the sea level melting of ice, work, ice caps and high level of pollution over earth is the only planet with a congenial environment for life इट इज़ अ फॉर आज टू इंश्योर द अर्थ रिमेन एन आइडल प्लेस टू लिव इन फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ विच यू आर ऑल्सो पार्ट जब हम मैन और बायोस्फेयर की बात करते हैं अब मैन ने क्या किया है इंसानों ने क्या किया है कि जो जो आ, हमारा जो बायोस्फेयर है वो एक तो एक है ना कि बायोस्फेयर में हमारी जो पूरी सारी की सारी चीजें वो क्या है वेल मेंटेन है बट जब अब मैन ने जब इतना कुछ किया है उसने क्या किया नेचुरल बैलेंस को खत्म करने जब डिस्टर्ब करने का किया है क्या किया है उसने कि आ, इतनी एन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स लेके आ आगे जैसे कि उन्होंने माइंस खो दी हैं कोयला निकाला है आ निकाल आ, पेट्रोल निकाल आ, निकाल निकाले नेचुरल गैसेस निकाल लें निकाले कहाँ से अर्थ से निकाल लें अब वो जला भी रहा है बर्निंग ऑफ कोल ऑयल नेचुरल गैसेस प्लांट ट्रीज को कट कर रहा है और इंडस्ट्रियल में ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहा है जिसके कारण जो जो भी धुआं वगैरह पोल्यूशन वगैरह निकल रहा है वो क्या कर रहा है एटमॉस्फेयर में जो कंपोजिशन है गैसेस का उसको क्या कर रहा है अल्टर कर रहा है उसको बदल रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी पड़ जा रही हैं हमारे एन्वायरमेंट में जिसके कारण एक और चीज़ हो रही है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है कम हो रही है छोटी हो रही है जिसके कारण चेंज इन सी लेवल सी लेवल वाटर जो है वो बढ़ रहा है मेल्टिंग आइस कैप्स जो है बहुत ज़्यादा फास्टली वो क्या हो रही है मेल्ट हो रही हैं और हाई लेवल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण ये सब हमें प्रॉब्लम आ रही है हमारी धरती ही इकलौती ऐसी इन्वायरमेंट हमारी ज़िंदगी के लिए प्रोवाइड करवाती है सो इट इज़ अ ओवर ड्यूटी कि हमारी जो अर्थ है वो हमेशा ही एक अच्छी जगह रहे ताकि हम भी जी सके और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है वो भी वो इस धरती पे जी सके अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो इट विल नॉट एबल टू सर्वाइव मोर सो क्वेश्चन एग्जिस्ट फॉर दिस टॉपिक इज दट एग्जिस्ट विद इन दर एंड वट इज